अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 50 के बारे में। तो मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब सब अफराद इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो सारम सबसे कहता है, आज मैं करवानी सराय में अमीरे साथ तीन को पैक से मिला। ये सुनते ही हाइमा हातुन गुस्से में आ जाती हैं और अपने बेटे सारम से कहती हैं कि तुम चाहते हो कि मैं खुशी से अपने कबीले और घर को खतरे में डाल दूं। सारम कहता है, अम्मी जान हमारी रियासत अमन चाहती है। साथ इन कोपैक कबीले में अमन के लिए जो जरूरी था वही करने आए हैं। रियासत के हुक्म को पूरा करना होगा, इसको होने से कोई नहीं रोक सकता। जहाँ तक उस जलील नोयान की बात है, हमारी रियासत उसको यूँ आवारा नहीं छोड़ेगी, मेरी बात का एतबार करें। और दूसरी तरफ जब अर्तुगरुल साहब जब आराम फरमा रहे होते हैं तो उनके ख्वाब में सलमान शाह आते हैं। उसके बाबा उससे कहते हैं कि आओ बैठो, बहरे कोजीन से लेकर अनातोलिया तक, औहलत से लेकर हलब तक बड़े शानदार रस्तों से तुम हलब से रूम गए, तुम इस्लाम का परचम लेकर निकले हो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि बाबा मैं सिर्फ आपके नक्शे कदम पर चला हूँ और चलता रहूँगा। उसके बाबा उससे कहते हैं, उसने तुम्हें अपनी रोशनी दिखाई है, उस रोशनी की पैरवी करना और इसी तरह तुम एक आलमी रियासत के क्याम के दरवाजे खोलोगी। शमाल से जनूब तक, मशरक से मगरब तक, पूरे जहान में उन ज़मीनों पर लातदाद दरख्त उगेंगे। तुम्हारा बेटा उस्मान हमारी तकदीर बदल देगा। और अर्तुगरुल अपने बेटे उस्मान को अपनी गोद में उठाते हैं। अर्तुगरुल के बाबा सलमान शाह मजीद कहते हैं कि तुम्हारे बाद आने वाली नस्लें अल्लाह के लिए जंग करेंगी और जहाद को अपनाएंगी। इतने में अर्तुगरुल साहिब की आंख खुल जाती है और इधर हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल की वापसी के लिए दुआ कर रही होती हैं तो वहाँ हाइमा हातून आती हैं। हाइमा हातून हलीमा सुल्तान से कहती हैं कि मैं भी सलमान शाह का बहुत सी जंगों से बाहरियत वापसी के लिए इसी तरह दुआएं करती थी और इंतज़ार। हलीमा आगे से कहती हैं कि जब तक अर्तुगरुल साहिब का रास्ता खुला है, मैं उन्हें अपने बच्चे और कबीले की तरफ वापस आते हुए देखने का इश्तियाक रखती हूँ। मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ हूँ। और इधर सारम वापसी का इरादा कर लेते हैं। जब उनके जाने की खबर हाइमा हातून को पता लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और दूसरी जानब आप देखेंगे तंगूत सात दिन कोपैक से मिलने आता है। सात दिन कोपैक तंगूश से कहता है कि तुम एक पानी से बाहर मछली की तरह हो गए। जिस पर तंगूश कहता है, क्या तुम नहीं जानते एक मंगोल के लिए कोई अमन नहीं होता। सात दिन को पैक जवाबन कहता है, क्या मैं नहीं जानता, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने कई के हाथों से नोयान को छुड़ा लिया है, तुम्हें ज्यादा खुशी होती अगर मैं उसे न छुड़ाता। ये बात सुनते ही तंगूश गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कमान से चाकू निकाल कर सात दिन को पैक से कहता है, क्या कहा तुमने। जिस पर सात दिन को पैक कहता है कि इस हंजर को वापस अपनी जगह पर रख दो, अब मेरे सामने एक वफादार सिपाही का ड्रामा ना करो। हम दोनों जानते हैं कि नोयान एक मुसीबत है। तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे क्या नजर आता है, उक्ताई खान का एक वफादार सिपाही। जब ये नया दौर कायम हो रहा है तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। उसके साथ नहीं, तुम नोयान से छुटकारा हासिल करो और उसकी जगह पर सिपा सलार बन जाओ। सात दिन को पैक उसे ओगोज की वो कीमती मोहर दिखाता है और तंगूर से कहता है कि ये तुम्हें मिल सकती है अगर तुम मेरी शरायत पर अमल करो। आगे आप देखेंगे नोयान को सात दिन को पैक के हवाले करने से पहले एक जिरगा बुलाया जाता है और इस जिरगे में ये फैसला किया जाता है कि नोयान को सात दिन को पैक के हवाले कर दिया जाएगा और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अमन कायम करने के लिए किया जाता है। और जब सात दिन को पैक नोयान को इस कबीले से वापस लेकर जा रहा होता है तो पीछे से कबीले के सब अफराद नोयान के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। और इधर सलजान हातून काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो गंदोगदू को खुशी देने वाली हैं और वो यह खबर हलीमा सुल्तान को बताती हैं। व्यूअर्स, आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मज़ीद अर्तुगरुल ड्रामे पर रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।